वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामने सिंह तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आज सबका फास्ट है सबने फास्ट रखा है और मैं देवर जो है उनका तो नौ दिन का फास्ट है बट हम लोग फर्स्ट और लास्ट रखते हैं व्रत हम पूरे दिन रह लेते हैं तो शाम को हम कुछ सेंधा नमक से ट्टू के आटे या सिंगारे के आटे का कुछ बनाकर और तब हम खाते हैं तो आज मैं जा रही हूँ बनाने सिंगारे के आटे का पकोड़ा और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और आप लोग भी उसे घर पे ट्राई कर सकते हो तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दो और ये रेसिपी पक्का आप लोगों को पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि नवरात्रे में तो वीडियो ऐसे आते रहेंगे और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी तो चलो देखते हैं मैं शिंगारे के आटे का पकौड़ा कैसे बना रही हूँ और हाँ एक और बात आपसे कहना चाहूँगी एक्चुअली मम्मी पापा जो है गाँव चले गए हैं रीजन था जिसके वजह से नवरात्रे में फटाफट उन्होंने कलश स्थापन किया आज का ही टिकट था और वो गाँव चले गए तो घर थोड़ा सोना सोना सा लग रहा है पट गुजारना है पाँच छः दिन के लिए गए हैं तो फ्रेंड्स चलो बनाते हैं अब सिंघारे के आटे के पकोड़े। उसके लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए तो ये मैंने चार पांच आलू ले लिए हैं और उसे उबालने के लिए रख दिए हैं कि दो तीन सीटी लग जाए उसके बाद अब ये आलू जो है उबल चुका है और मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद इसका जो छिलका है उसे उतार लूँगी हाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि ये जो है बहुत ही चटपटा पकौड़ा बनेगा और जो जिन लोगों का फास्ट होता है व्रत रहते हैं उनके लिए तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये तो इसका मैंने अब ये छिलका उतार लिया और फिर एक फोर्क के सहायता से मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी बिल्कुल बारीक होना चाहिए गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना इसको मैश करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मेरे घर में वैसे मिर्ची बहुत कम खाते हैं वरना मेरे हस्बैंड और देवर मिर्ची खा रहे होते तो मैं तो ज़्यादा डालती बट ऐसा नहीं है ये मैंने थोड़ा सा अदरक था उसे कद्दू कस करके रख लिया था उसे एक चम्मच मैंने वो डाला और ये दो हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखा हुआ था उसको डाल लिया अभी आप देखिए सेंधा नमक है इसमें से मैं स्वाद के अनुसार जितना चाहिए मुझे मैं वो डाल लूँगी और उसको अच्छे से मिला लूँगी ऐसे गाइस व्रत में हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते इस वजह से मैंने नहीं डाला अदरवाइज़ अगर आप लोग खाते हो तो इसमें हरा धनिया पत्ता और जीरा इसके बाद काली मिर्च पीसी हुई ये आप डालकर और और भी चटपटा बना सकते हैं तो हम नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाला और जो प्लेट था वो छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने ये बड़ा सा पतीला ले लिया अब आप ये देखिए सिंघाड़े के आटा है जो व्रत में खाया जाता है अब मैं इसमें से डाल दूँगी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी बस उसमें अच्छे से मैं उसको मिला सकूँ इतना ही डालूँगी तो ये मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगा मिलाने में फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको मिला दिया तो फ्रेंड्स मैंने ये जो मिक्सचर है मिश्रण है इसको मैं एक साइड रख देती हूँ ढक के और तब तक के लिए अपने रायते की तैयारी कर लेते हैं दोनों काम हो जाएगा और साथ में मेरे पति देव जी की फरमाइश आ गई कि मुझे चाय भी पिला दो तो वो मैंने एक सेट चाय भी गर्म होने के लिए रख दिया बिकॉज़ अभी अभी बनाई थी ये चाय तो इसलिए मैंने वही गर्म होने के लिए रख दिया है और एक मैंने छोटा सा खीरा लिया और अब मैं इसे कद्दूकस कस करूँगी बारीक कद्दूकस करके और फिर उसको उसके बाद इस खीरा से रायता बनाऊंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरी फैमिली में खीरे का रायता बहुत पसंद है लोगों को सब खाते हैं और व्रत वाले दिन तो ज़रूर खाते हैं तो इसलिए मैं बना रही हूँ और कोई चटनी वटनी तो हम खा नहीं सकते व्रत में इसने सोचा रायता ही बना देती हूँ और आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना जो मैं पकौड़े बता रही हूँ वो बनाने का और ये रायता इसके साथ ही बहुत ही यम्मी लगता है तो आप भी घर में ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कैसा बना पकौड़ा और रायता अब मैं इसमें दही मिला दूँगी मैं दही मिलाने के बाद अरे हाँ तब तक तो मेरा जो चाय है ये हो गया है तो अब मैं इसे गर्म करके छान कर अपने पतिदेव को देने जा रही हूँ वेट करना फ्रेंड्स मैं अभी आ रही हूँ चाय दे <laughs> उनको चाय बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो ये मैं चाय दे आ गई अपने रूम में उनको और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मिर्ची बिकॉज़ उन लोगों के मुँह में मिर्ची आएगी हरी तो वो मेरी खैर नहीं है मुझे छोड़ेंगे नहीं और फिर ये सेंधा नमक है इसे मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार और फिर जितना ऑब्जर्व कर पाएगा ये दही और जो खीरा है उतना मैं इसमें पानी डाल के और मिला दूँगी अच्छे से बहुत अच्छे से मिलाना होता है इसे तो अच्छे से मिला दिया और अब ये तैयार हो गया हमारा रायता ठीक है और इसके बाद अब चलते हैं धनुआ से मिलते हैं बिकॉज़ धनुआ को सरप्राइज़ मिला है आप लोगों को पता है इसको अपने चप्पल जूते से बहुत प्यार है क्या लाए धनु के लिए पापा, पापा? क्या है चप्पल अच्छा, अच्छा है हाँ बाबू अच्छा है अच्छा लग रहा है आपको आपको चप्पल जूते से बहुत प्यार है ना कैसा है बेटा अच्छा अच्छा है कौन सा कलर है ब्लू और उसमें कौन सा कलर है देखो और ये ये कौन सा दो ये दो नहीं बोलते येलो कौन सा है ओए ओए ओ ओए अए ओए हए अब इसको क्या करोगे बिस्तर <laughs> पर ले जाकर ओ चलो आ जाओ मैंने उस मिश्रण को इसलिए छोड़ रखा था ताकि जब खाने का टाइम हो तो गर्मा गर्म उसके पकौड़े बना सकूं तो मैंने इसलिए साइड रख दिया था और अब खाने का टाइम हो गया है तो मैं इसे बना रही हूं आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने लोई ऐसे पहले से ही बना के रख रखा था टिक्की के जैसा अभी और एक बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि तेल गर्म हो गया है और उसमें मैंने उसे डाल दिया है थोड़ा सा हाथ में लेना है इस मिश्रण को और गोल गोल बना के जैसे हम रोटी के लिए गोले ऐसे ऐसे बनाते हैं वैसे बनाकर और उसे कढ़ाई में डाल देना है और फिर सुनहरा सुनहरा उसे तल लेना है दोनों तरफ से देखिए यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ आपको देखकर ही पता चल रहा हो कितना क्रिस्पी तला है ये और खाने में भी बहुत यम्मी लगेगा ये आप देख ही लो देख के ही आपको पता चल रहा है तो इसे मैंने तल के निकाल लिया थोड़ा लाल होना चाहिए बिल्कुल वाइट वाइट सा नहीं तो ये तैयार है हमारा सिंघारे के आटे का पकौड़ा और रायता तो गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी थैंक यू